हेलो, कैसे हैं आप दोनों? हम एकदम ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। तो बताइए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, मेरी वाइफ पिछले 6 वीक से प्रेग्नेंट है और मुझे जानना था कि इसे ओरल सेक्स करने से कोई खतरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी हाँ डॉक्टर, मैं सोच के घबरा रही हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये क्या आपका पहला बच्चा है? जी। देखिए, पहली प्रेगनेंसी के दौरान आपके मन में इस तरह के सवाल उठना लाजमी है, और जैसे कि ये आपका पहला बच्चा है तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। जी बिल्कुल। चलिए, मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल में समझाती हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप अपने बच्चे के प्रसव के समय तक अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और सेक्स से मेरा मतलब है कि सभी तरीके का सेक्स। पर हाँ, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान महिला में हार्मोन्स की हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनको कुछ तकलीफें होने लगती हैं, जैसे कि नोजिया, बैक पेन, वजन बढ़ना, इस तरह की कुछ तकलीफें, जिसकी वजह से उनका सेक्स से मन ऊब जाता है और उनका सेक्स करने का मन बिल्कुल नहीं करता। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है सेक्स ना कर पाने की। रही बात इन्फेक्शन फैलने की, तो वो तभी हो सकता है अगर आपके पार्टनर में कोई माउथ इन्फेक्शन हो, या फिर माउथ अल्सर हो, या फिर उनको जुकाम हो। इस केस में उनके थ्रू आप में वायरस फैलने का खतरा होता है। इस समय पर आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पार्टनर में एसटीआई है, तो भी ओरल सेक्स के टाइम पर उनके थ्रू आप में बैक्टीरिया फैलने का खतरा होता है, तब भी आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। इन दो केसेस के अलावा अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो ओरल सेक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो अच्छा है। हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, अब जाके हमारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो डॉक्टर, इसमें कोई और भी सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए ओरल हाइजीन के बारे में, और इसके अलावा एक और चीज का खास ख्याल रखना जरूरी है। जिस वक्त आप ओरल सेक्स कर रहे हो, उस वक्त आप अपनी वाइफ की योनि में हवा ना फूकें, क्योंकि झटके से प्रवेश की गई हवा एक एयर बबल के रूप में उनके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकती है, जिसे हम एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वाइफ और आपके बच्चे की जान जाने का खतरा हो सकता है। और दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ प्री मैच्योर प्रसव में जा सकती है, तो आप ओरल सेक्स बंद कर दें। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी वाइफ ज्यादा देर तक अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं कर रही। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। दैट्स इट। डॉक्टर, आपने हमें एयर एम्बोलिज्म के बारे में बताकर बहुत बड़ी हेल्प की है, थैंक यू वेरी मच। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।